Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. आज कुछ अखबारों के अंदर छपा है और कुछ टीवी चैनल्स के माध्यम से ये खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के 11-12 और विधायक, इन सब के खिलाफ चार्जशीट दायर करने जा रही है। हम ये बात पहले भी कह चुके हैं कि जिस 19 और 20 फरवरी का जिक्र बार बार किया जाता है, उस दिन मुख्यमंत्री के निवास पर मुख्य सचिव के साथ कोई हाथापाई नहीं हुई, कोई वॉयलेंस नहीं हुई। ये बात हम शुरू से कह रहे हैं। जिस तरीके से मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के घर के बाहर निकल रहे हैं और निकल के आराम से अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं, उससे कई बातें साफ आती हैं। पहले कहा जा रहा था कि सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ की गई है, मगर उसके अंदर कुछ नहीं निकला है। सीसीटीवी बाकायदा हर जगह थे और उनके अंदर मुख्य सचिव आराम से आते हुए और आराम से जाते हुए दिखे। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के घर से निकलकर पुलिस थाने नहीं गए, पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई, सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के घर गए। रात को 12:30 बजे लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका इंतजार कर रहे थे। रात को 12:30 बजे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर वहां पे मौजूद थे, बताया जाता है डीसीपी वहां पे मौजूद थे। फिर भी रात को वहां पे एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, षड्यंत्र रचा जाता है, किसी भी तरीके की क्रिमिनल ऑफेंस की रिपोर्टिंग सबसे पहली इंस्टेंस पे पुलिस को की जाती है, मगर इसके बावजूद रात को एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती है। अगले दिन आराम से एक वकील के द्वारा लिखी हुई कंप्लेंट मुख्य सचिव द्वारा डीसीपी को भेजी जाती है। कोई मेडिकल नहीं कराया जाता। उसके बाद 24 घंटे बाद एक मनगढ़ंत मेडिकल कराया जाता है। पहले कहा जा रहा था कि थप्पड़ मारा गया है, बाद में बताया गया, क्योंकि मेडिकल में कुछ तो बताना है, बाद में मेडिकल में बताया जाता है कि कान के पीछे सूजन आई है। चीफ सेक्रेटरी की कान के पीछे सूजन इसलिए आई है क्योंकि मुख्य सचिव सुबह से शाम तक कई बार मीडिया के सामने आए, कई बार फोटोग्राफ्स आई। मुंह पे सूजन कोई डॉक्टर कैसे लिख देता, क्योंकि वो कई फोटोग्राफ्स में मुंह पे सूजन आई ही नहीं होगी, इसलिए ऐसी जगह सूजन लिखी गई उसके अंदर जो कभी फोटोग्राफ के साथ कोराबोरेट ना कर जाए, कोराबोरेट हो ना पाए। वो मेडिकल भी तब कराया गया जब हमने मीडिया में सवाल पूछे कि मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है। वो मेडिकल जिस डॉक्टर से कराया गया, वो डॉक्टर लंबी छुट्टी पे चला गया, एक जूनियर डॉक्टर था। और उसके बाद मुख्य सचिव ने अपने एक व्यक्तिगत मामले के अंदर पूरी दिल्ली सरकार के आईएएस अफसरों की 4 महीने तक हड़ताल कराई। अब वो हड़ताल दिल्ली के लोगों के दबाव में, प्रेशर में आके, 4 मुख्यमंत्रियों के दबाव में आके, अलग अलग राज्यों की सरकारों के दबावों में आके, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स के बयानों के दबाव में आके आईएएस एसोसिएशन को उस हड़ताल को खत्म करना पड़ा। लिहाजा अब दूसरे षड्यंत्र के ऊपर काम शुरू हो गया है कि अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम पे चार्जशीट दर्ज कराई जाए। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे पहली बार हो रहा होगा कि 4 आईएएस ऑफिसर, 4 सीनियर आईएएस ऑफिसर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ दिल्ली पुलिस के अंदर बयान दर्ज कराते हैं। जो आईएएस अफसर वहां पे मौजूद नहीं थे, जो आईएएस अफसर अब तक हड़ताल के अंदर पूरी तरह शामिल थे और नेतागिरी कर रहे थे, वो आईएएस अफसर जिनके अक्सर बयान टीवी में देखे गए थे उस हड़ताल का समर्थन करने के लिए, वो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ
पुलिस के अंदर गवाही दर्ज कराते हैं, ये इतिहास के अंदर पहली बार हो रहा है। हमारा ये मानना है, प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी से भी इतना नहीं डरते जितना अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की भी एक ही प्राथमिकता है पूरी दिल्ली के लिए कि किसी तरीके से चुनी हुई सरकार, उसके विधायक, उसके मंत्रियों को किसी ना किसी तरीके से फंसाया जाए। दिल्ली के चुने हुए विधायकों के ऊपर कम से कम 3 दर्जन केस किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठाकर शादी में जाते हुए विधायक की गाड़ी को इंटरसेप्ट करके रोक के उठाकर पब्लिक मीटिंग के अंदर उठाकर हमारे विधायकों को ले जाया गया है पुलिस में। तिहाड़ के अंदर बंद किया गया है विधायकों को। उसके बाद भी अब तक 14 केसों के अंदर फैसला आया है जिसके अंदर हमारे हर विधायक को बाइज्जत बरी किया गया है और पुलिस को कहा गया कि क्यों ऐसे झूठे मामले बनाते हो। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस की सारी प्राथमिकता यह है कि आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को फंसाया जाए। मेरी प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है पार्टी की तरफ से कि आप थोड़ी तो लाज रखिए। आज दिल्ली की वजह से, दिल्ली के अंदर रेप्स की वजह से हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर आंकड़ों के हिसाब से पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान बदनाम हो रहा है कि यहां पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जिस देश में पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली की वजह से महिलाओं को असुरक्षित माना जा रहा हो, उस दिल्ली की पुलिस के पास सिर्फ और सिर्फ एक काम है, दिल्ली सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और विधायकों के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराए जाए और उनको किसी तरीके से फंसाया जाए। मेरा मानना है कि अब दिल्ली के लोग इस पूरी की पूरी साजिश को समझने लगे हैं कि एक झूठा मुकदमा कराए, बदनामी करें, पूरी की पूरी सरकार को ठप किया जाए, सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाए, सरकार को गिराने की पूरी कोशिश की गई। यह रिपोर्ट तक भेजी गई कि दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया है, लिहाजा सरकार को भंग कर दिया जाए। और यह कोशिश कौन लोग कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के दबाव में सीधे सीधे अंशु प्रकाश जी को चुना गया एक ऐसे अधिकारी जिनकी भाजपा के नेताओं के साथ नजदीकी सबके सामने है। अंशु प्रकाश जी सुषमा स्वराज के ओएसडी रहे, उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे, उनके साथ विभागों के अंदर काम किया, सुषमा स्वराज जी के नजदीकी आईएएस अफसर माने जाते हैं और भाजपा के नजदीकी आईएएस अफसर माने जाते हैं। उनको यहां पे भेजा गया, एक षड्यंत्र किया गया। उस षड्यंत्र के लिए एलजी ऑफिस रात को 12:30 बजे खुला, पूरा षड्यंत्र किया गया और उस षड्यंत्र को आज आप सब के सामने दोहराया जा रहा है, पूरा का पूरा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसको सब लोग देख रहे हैं, दिल्ली की जनता भी देख रही है और जब चुनाव का समय आएगा तो दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी।